नमस्कार, NBC24 मीडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। बता दें आपको कि राष्ट्रपति का चुनाव को लेकर जो वोटिंग की गिनती है वो आज शुरू सुबह से है। बता दें आपको कि द्रौपदी मुर्मू आगे चल रही है यशवंत सिन्हा से। एक तरफ यशवंत सिन्हा है, दूसरी तरफ द्रौपदी मुर्मू है। बता दें आपको कि यशवंत सिन्हा को करीब 208 वोट मिला है, जिसमें 15 वोट जो है वो रद्द हो गए हैं। वहीं बता दें आपको कि मेरी मौजूदगी अभी बीजेपी कार्यालय के पास है, बिहार बीजेपी प्रदेश कार्यालय के पास, और यहाँ पे जो जश्न है वो मनाया जा रहा है। तमाम आदिवासी समाज के जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद है, बीजेपी के तमाम बड़े नेता, महिला नेत्री, तमाम जो लोग हैं वो मौजूद है। ये तस्वीर आपके सामने है, देख सकते हैं किस तरीके से आदिवासी समाज से आती हैं द्रौपदी मुर्मू, और कहीं ना कहीं जो जश्न का माहौल है वो बीजेपी कार्यालय के पास बन गया है। वहीं बता दें आपको कि देश के 15वें राष्ट्रपति के नाम का इंतजार अब से कुछ ही देर में खत्म हो जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव में पहले राउंड में वोटिंग की गिनती पूरी हो गई है, इसमें सांसदों के वोटों में गिनती हुई है। वहीं चुनाव अधिकारियों ने बताया है कि द्रौपदी मुर्मू 540 और यशवंत सिन्हा को 208 वोट मिले हैं। तो वहीं बता दें आपको कि यशवंत सिन्हा के 15 वोट रद्द हो गए हैं। वहीं द्रौपदी मुर्मू का वोट वैल्यू 3,78,000 है, वहीं जबकि देखा जाए तो यशवंत सिन्हा का वोट वैल्यू 1,45,600 है। वहीं बता दें आपको कि लगातार बीजेपी बिहार प्रदेश कार्यालय के पास जो जश्न है वो मनाया जा रहा है। वहीं देखा जाए तो यशवंत सिन्हा जो है वो पीछे चल रहे हैं, और उनका जो 15 वोट सांसदों का है वो रद्द हो चुका है। तमाम देख सकते हैं किस तरीके से जो आदिवासी समाज की महिलाएं हैं वो यहाँ हैं और जश्न मनाते हुए आपको नजर आ रही होगी। तमाम बड़े नेता कुछ देर में बाहर भी आएंगे, और जश्न का जो माहौल है वो लगातार यहाँ जारी है। बता दें आपको कि राष्ट्रपति का पूरे देश में चुनाव हो रहा था, जिसको लेकर आज वोटिंग सुबह से ही गिनती जो है वोटिंग की वो शुरू थी, और देखा जाए तो सुबह से ही द्रौपदी मुर्मू जो कि NDA की कैंडिडेट है वो आगे चल रही थी, और लगातार द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो आगे चल रही हैं। और तमाम बीजेपी की महिला नेत्री हों या फिर आदिवासी समाज के जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद है, जश्न मना रहे हैं। पहले बात करेंगे महिला नेत्री हैं बीजेपी की, तमाम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। द्रौपदी मुर्मू मैम जीत रही हैं, क्या कहिए? आज हम लोग द्रौपदी मुर्मू जी के लिए, जो हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी सर्वोपरि स्थान पे बैठाए हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देंगे मोदी जी को। और हम लोग सारी महिलाएं, भाजपा की सारी महिलाएं इतना जश्न मना रहे हैं, खुशी के मारे कोई ठिकाना नहीं है, जितना हम लोग आज पूरे जश्न के साथ मना रहे हैं। मुख्यमंत्री बिहार की रेणु देवी भी बाहर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। पहले ऐसे रखिएगा दीदी, तमाम उप मुख्यमंत्री हैं, तमाम भाजपा के नेता हैं, तमाम लोग मौजूद हैं, और यहाँ पे जश्न का माहौल बन गया है। गुलाल लोग लगा रहे हैं और बधाई दे रहे हैं। बता दें आपको कि NDA की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को उतारा गया था, और यहाँ पे डिप्टी CM जो है बिहार की रेणु देवी वो मौजूद है, और जश्न मनाते हुए आपको नजर आ रही होंगी। तस्वीर आपके सामने है, देख सकते हैं किस तरीके से देखिए बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी हैं, और एक दूसरे को गुलाल लगाया जा रहा है। बता दें आपको कि राष्ट्रपति का चुनाव होना था, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो NDA की जो कैंडिडेट है द्रौपदी मुर्मू वो आगे चल रही हैं, और तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं में जो खुशी का जश्न है वो देखने को मिल रहा है। लगातार खुशी मनाया जा रहा है। ये तस्वीर आपके सामने है किस तरीके से द्रौपदी मुर्मू जो है वो, और यहाँ बात करने की भी हम कोशिश। देखिए रेणु देवी हैं, तमाम आदिवासी समुदाय के लोगों को भीड़ लगाते हुए नजर आ रही होंगी। बीजेपी बिहार प्रदेश कार्यालय है, और यहाँ पे जश्न का माहौल जो है वो आपको देखने को मिल रहा होगा। बता दें आपको कि द्रौपदी मुर्मू जो कि NDA की
राष्ट्रपति कैंडिडेट थी और वो आगे चल रही हैं यशवंत सिन्हा से, और देखा जाए तो सुबह से ही आगे चल रही है। और यहाँ पे रेणु देवी डांस करते हुए नजर आ रही होंगे, नाचते हुए नजर आ रही होंगे, खुशी के मारे जो डांस है वो कर रही हैं रेणु देवी। बता दें आपको कि द्रौपदी मुर्मू के जीत के खुशी में जो बिहार की उप मुख्यमंत्री हैं रेणु देवी, वो यहाँ पे डांस करते हुए आपको नजर आ रही होंगी। देखा जाए तो सुबह से ही द्रौपदी मुर्मू जो है वो आगे चल रही है यशवंत सिन्हा से, और लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, मंत्रियों में जो खुशी का जश्न है वो मनाया जा रहा है। और यहाँ आपके सामने तस्वीर है, किस तरीके से देख सकते हैं उप मुख्यमंत्री रेणु देवी और तमाम उनके कार्यकर्ता जो हैं वो उनके साथ हैं, और लगातार जश्न का माहौल बीजेपी कार्यालय के बाहर देखने को मिल रहा होगा। उप मुख्यमंत्री से बात करने की भी कोशिश ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद हैं और रेणु देवी भी साथ में हैं। तमाम लोग एक दूसरे को लड्डू खिला रहे हैं, गुलाल लगा रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो एनडीए की कैंडिडेट जो द्रौपदी मुर्मू है वो आगे चल रही हैं, जीत का जो जश्न है वो मनाया जा रहा है। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद हैं, रेणु देवी हैं, तमाम लोग हैं, और सुबह से ही देखा जाए तो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। मैडम सर को खिलाइए, सर को खिलाइए। अरे लोगों नीचे रखो ना यार, एक फोटो खड़े दो। नहीं कोई मान ले यार, चलिए चलिए आगे बढ़िए, आगे आगे चलिए आप, चलिए हां हां ले 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 चलिए आप, चलिए आप, जाने दीजिए। महिलाओं का ही सम्मान नहीं है, जो जनजातीय समाज आसमान पर हुआ करता था राजनीतिक क्षेत्र में, आज उनसे उम्मीदवार के रूप में एनडीए की उम्मीदवार बनी है और वो जीत की ओर अग्रसर है, लगभग जीत हो ही चुकी है। यह देश के लिए बड़ा गर्व का विषय है कि जो संवैधानिक अधिकार है भारत के तमाम लोगों का, उसे नरेंद्र मोदी जी और एनडीए के नेताओं ने करके दिखाया है कि भारत में कहीं न कहीं राजनीतिक क्षेत्र में भी जो अधिकार है उस अधिकार का हासिल आज किया है जनजातीय समाज। यह हमारे लिए और पूरे देश के लिए ये गौरव का क्षण है। अरे उस पर अब हाँ चलिए चलिए ये बीजेपी कार्यालय के बाहर जश्न का माहौल है, पटाखे छोड़े जा रहे हैं और द्रौपदी मुर्मू जिस तरीके से जीत रही हैं उसको लेकर जो जश्न है वो तारकिशोर प्रसाद को आपने सुना है उनका क्या कुछ कहना था, उन्होंने खुशी जो है वो जाहिर की है और यहाँ पे जश्न जो है वो मनाया जा रहा है। और उप मुख्यमंत्री रेणु देवी भी हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। लोग आज मुर्मू दीदी ने जीता है और एक महिला है उसके बाद जनजाति हैं। विपक्षियों के लिए क्या है संदेश? निश्चित रूप से और अच्छा काम करेंगी, और हम माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं, खुश का इजहार कर रहे हैं। बुलाइए। देखिए उप मुख्यमंत्री रेणु देवी हैं और काफी खुश हैं, गुलाल अबीर लगाया जा रहा है, और ये तस्वीर आपके सामने है, बीजेपी बिहार प्रदेश कार्यालय है, और यहाँ पे जो तस्वीर है आपके सामने देख सकते हैं किस तरीके से अद्भुत तस्वीर देखने को मिल रहा होगा, लगातार खुशी व्यक्त किया जा रहा है। और बता दें आपको कि दलित समाज से आती हैं द्रौपदी मुर्मू, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो जश्न है वो लगातार बीजेपी कार्यालय के बाहर मनाया जा रहा है। कुछ ही क्षण में जो काउंटिंग है वो ख़त्म हो जाएगा और कन्फर्म ये हो जाएगा कि कौन कैंडिडेट राष्ट्रपति बनेगा। फिलहाल तमाम लोगों की जो खुशी है वो आपने देखी किस तरीके से बीजेपी कार्यालय के बाहर तमाम लोग अपना खुशी जो है वो जाहिर कर रहे हैं, पटाखे जलाए जा रहे हैं, गुलाल लगाए जा रहे हैं, लड्डू खिलाए जा रहे हैं एक दूसरे को। और बता दें आपको कि एनडीए के राष्ट्रपति कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू लगातार जीतते हुए नजर आ रही है, यशवंत सिन्हा से लगातार आगे नजर आ रही है। फिलहाल तमाम उप मुख्यमंत्रियों को आपने सुना है, तमाम लोगों को सुना है किस तरीके से जश्न मना रहे हैं और क्या कुछ करते हैं वो भी आपने सुना, और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें, बहुत बहुत धन्यवाद।